नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। रामपुर में जिला अधिकारी श्री अगजन्य कुमार सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मड़े उदय राज गांव पहुंचकर जागरूकता कार्यक्रम के लिए लगाई गई आशा ANM आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित ग्रामीण स्तर के अन्य लोगों को सावधानी एवं बचाव के तरीके बताए। ग्रामीण जनों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले, नियमित हाथ धोने तथा भीड़ वाले स्थानों पर न जाने के लिए जागरूक किया गया। अच्छा, इससे बचाव के लिए क्या क्या? देखिए, सबसे बड़ा बचाव तो ये है कि इसका संक्रमण फैलने ही ना दिया जाए, और यही वजह है कि खुद कर हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग हम खुद फॉलो कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं, हमारी ज़रूरी मीटिंग्स हम जरूर कर रहे हैं पर वो उतना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं एक तो। दूसरी बात यह है कि एहतियात बरत रहे हैं, जो सरफेस मापिंग है बराबर यहाँ पे कर रहे हैं। आप देखें, हमारे यहाँ भी सैनिटाइजर लगा, लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल बड़ी अपरिहार्य परिस्थिति में करते हैं। हाथ धुलने को लेके हमने लोगों को जागरूक करना शुरू किया, खुद भी हाथ लगातार धुलते रह रहे हैं जब भी किसी चीज़ को टच करते हैं। यहाँ तक लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाहर से कोई चीज़ अगर आपके घर में जरूरी ना हो, अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ही ना निकले, बिना आवश्यकता के घर से बाहर ना निकलें। बच्चों को बिल्कुल ना निकलने दें, बुजुर्ग और बीमार बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं उनको भी हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो एक जगह गैदर ना हो, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी चीज़ है, लेकिन एक जगह गैदर होकर कोई भी चीज़ ना करें। और आपके घर में कोई बाहर से भी चीज़ आती है, जैसे अखबार है, जैसे कि पंपलेट है, पेपर है, इस तरह की कोई भी चीज़ आती है, तो ज़रूर उसको बाहर ही रखें, बाहर ही उसको इस्तेमाल करें और उसके बाद अपने हाथ को जरूर धोएं। इस तरीके की चीज़ें करें। अभी भी कुछ मॉल वगैरह वाले जो हैं अब आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं, देखिए, उन जो लोग सारे वायलेशन कर रहे हैं, देखिए, एक तो खुद ही लोगों को सतर्क होना चाहिए। अभी हम लोगों को समझा के ही कोशिश कर रहे हैं, काम चला रहे हैं, ऐसी जगहों पे हम अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाया जाए। आज हमने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी बात की और बड़ा अच्छा सहयोग उनका मिला। कल जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से करें। उसमें अभी अपील भी हो गई है कि बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग इस या संक्रमण के शिकार लोग किसी भी तरीके से मस्जिद में नमाज पढ़ने न जाएं और किसी एक मस्जिद में ज़्यादा क्राउड ना हो, अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में पढ़ें। हम कल दो बजे तक मार्केट भी बंद कर रहे हैं ताकि लोग इकट्ठा होकर मस्जिद में न जाने पाएं। इस सारी तरीके की एहतियातन कदम हम उठा रहे हैं। तो जामा मस्जिद में कल तो नमाज होगी सर? देखिए, मस्जिदों में तो जब नमाज तो जो देखिए एक 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 रिलीजियस मैटर है, एक धार्मिक मुद्दा है, इसीलिए हमने सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की है और उन्होंने भी अपील की है बदले में कि हम क्राउडिंग कम करेंगे, लोगों को वहाँ पे एहतियात बरतेंगे। लोग अपने मुंह को ढक के जाएंगे मस्जिद के अंदर, सिर तो ढकते ही मुंह भी ढकेंगे, ऐसी व्यवस्थाएं की हैं। और कोशिश जैसे एक दूसरे के गले नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से इस तरीके से टच में नहीं आएंगे कि संक्रमण फैले, और बहुत कम संख्या में लोग जाएँ ज़्यादातर। और अगर लोग अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में अगर नमाज पढ़ेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, तो कोशिश यही करेंगे। और जो भी संक्रमण का अगर फ्लू का भी शिकार है, अगर खांसी भी उसको हुई है, तो वो जाएगी ना नमाज पढ़ने, घर पे ही नमाज पढ़े, ऐसी व्यवस्थाएं करा रहे हैं, अपील भी करवा रहे हैं।